कुछ और भी बात करना चाहता हूँ भाई साहब आपके क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग। मैं एक बात कहना चाहता हूँ सर, हो सकता है थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाए और थोड़ा सा लोग पसंद ना करें, लेकिन सच कहना जरूरी है। आपकी शो में आए हैं तो गलत बात नहीं कहनी चाहिए। जो लोग कहते हैं ना कि रेडिकलाइजेशन की बात करते हैं और आइसिस की बात करते हैं, दाइश की बात करते हैं, सर जो इंडिया में सर जो अगला जो भगवान ना करे कभी ऐसा, और मैं हजार बार कह रहा हूँ कि यू नो जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल ऊपर वाला ऐसा ना करे कभी हो, लेकिन अगर अगली बुरी खबर आई सर, तो अगली बुरी खबर सर कश्मीर से नहीं आएगी, अगली बुरी खबर केरला से आएगी। जिस हद तक रेडिकलाइजेशन केरला में बढ़ रहा है, ये ताहिर साहब मैं आपको आई कैन नॉट एक्सप्लेन टू यू, एंड दे आर द मोस्ट लिटरेट पीपल, द मोस्ट वेल रेड पीपल एंड द मोस्ट एजुकेटेड पीपल इन इंडिया, बट केरला में जो ये गए हैं सऊदी या और कहीं गल्फ कंट्रीज में गए हैं, वहां पे यू नो द सलाफी और द वहाबी स्ट्रेन ऑफ इस्लाम जो लेकर आए हैं। केरला का इस्लाम हर समय बड़ा बड़ा बेनाइन इस्लाम हुआ करता था, बड़ा जिसको कहते हैं ना श्राइन्स वाला, जो नहीं वो तो वो जैसे सिंधियों का होता था एक टाइम पे, वो जैसे ना उस टाइप का, तो उस एक बड़ा, एंड केरला वॉज द प्लेस वेयर आफ्टर आई थिंक द सेकेंड मॉस्क इन द वर्ल्ड वॉज बिल्ट इन केरला इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। वो तारिक फतेह साहब अक्सर वो स्टोरी सुनाते हैं मुझे जब भी बात होती है तो, जी कोचिन की कोचिन की मॉस्क, वो तारिक फतेह साहब ने एक बार बताया था मेरे को। या, या। तो दुनिया की जो सेकंड मॉस्क बनी थी, आई थिंक पहली मक्का में बनी थी, फिर दूसरी जो थी वो बनी थी यहाँ पे ना इंडिया में कोचिन में। तो यहाँ का इस्लाम हर समय बेनाइन रहा है, पिछले 30-40 साल से फर्क आया है जब से ऑयल इकोनॉमी के चलते कई लोग यहाँ से गए हैं और वहाँ का ड्रेस चेंज हो गया, वहाँ का बोलने का लहजा चेंज हो गया, वहाँ पे लुक्स जो हैं लोगों की जिस तरीके से वो चाहते हैं, वो एक अरबाइजेशन ऑफ सोसाइटी है। ये केरलाइट है ना वहाँ के लोग, काफ़ी एक अरबाइजेशन ऑफ सोसाइटी है। और भी चीज़ें हैं सर, इतने लोग, और सिंपल अगर आप आंकड़े देखेंगे केरला के कितने लोग गए हैं आइसिस में लड़ने के लिए, इस्लामिक स्टेट के लड़ने के लिए, तो क्यों गए, वो तो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। और इतने इंटेलिजेंट लोग और इतने इतने अच्छे लोग, इतने मेहमान नवाज लोग, कल्चरली सेंसिटिव लोग, फिर वहां पे ये सब हो रहा है, तो इट इज इंडीड वेरी सैड। तो ये भी एक चीज है सर। एंड आपने बॉम्बिंग्स की बात करी सर, श्रीलंका में बॉम्बिंग्स की, सर अगला जो भगवान ना करे ऐसा हो सर, मैं जिसको कहते हैं ना उर्दू में कहते हैं मेरे मुंह में खाक, कभी ऐसा ना हो, लेकिन सर ये केरला इज समथिंग दैट यू हैव टू वॉच आउट फॉर सर, इट्स अ टिकिंग टाइम बॉम्ब, इट्स अ टिकिंग टाइम बॉम्ब। या तो केरला में जो हमें एक तरह का अलर्ट नज़र आ रहा है वो मैं आपसे एग्री करता हूँ, हमें यहाँ बैठ के वो महसूस हो रहा है, चूँकि अब सोशल मीडिया का समय है, दुनिया सोशल मीडिया के ज़रिए कनेक्टेड, सोशल मीडिया पे जो केरला की खबरें आ रही हैं वहाँ पे रेडिकलाइजेशन की, वो बड़ी ख़तरनाक हैं। ये साउथ इंडिया का ऑफकोर्स स्टेट है, और ज़रा और साउथ में चले जाएँ तो फिर ऑफकोर्स श्रीलंका है, और ये फिर ताने बाने बुने हुए हैं एक तरह से। इस सारी सूरत हाल में क्या आपको लगता है कि श्रीलंका के जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं, जैसा कि चर्च बॉम्बिंग में हुआ वहाँ पे, वो केरला के जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनसे जुड़े हुए हैं? बिल्कुल साहब, ताहिर साहब इसमें कोई शक ही नहीं है। ये सर पूरा का पूरा एक, क्योंकि देखिए जुड़ना मतलब ये नहीं कि फिजिकली मैं किसी के घर पर जाऊँ दावत खाने के लिए, ये लोग इंटरनेट पर जुड़े हुए हैं सर, ये लोग ये जाते हैं, ये दाइश के साथ हैं ये लोग, ये दिस इज ये अमेरिकन स्टडी भी आई है, दे आर ऑल पार्ट ऑफ दाइश, दे वो यू नो फीएल्टी लॉयल्टी टू दाइश इस्लामिक स्टेट सर, ये चाहे केरला में हो, चाहे श्रीलंका में हो, चाहे कश्मीर में हो, चाहे और जगह भी हो सर, ये सब पीछे से जुड़े हुए हैं। ये लोग अपने रिसोर्सेज शेयर करते हैं, ये अपना टैलेंट शेयर करते हैं, इनके लोग ट्रैवल करते हैं। कितने लोग जाते हैं सर जो जो केरला से जाते हैं, दे गो टू कश्मीर, दे कम बैक, एंड फ्रॉम कश्मीर टू केरला, ये सब चलता रहता सर, ये सब लोग घूमते रहते हैं, उनके उनके ऊपर नजर रखी हुई है एजेंसीज ने, ये भी बात सच है, लेकिन जब भीड़ में लोग जाते हैं आप सबके ऊपर तो नजर नहीं रख सकते, लेकिन ये भी फैक्ट है सर कि पीपल गो देयर, एंड इंटरनेट पर रेडिकलाइजेशन बहुत जबरदस्त हो रहा है सर, बहुत जबरदस्त हो रहा है इंटरनेट पर रेडिकलाइजेशन। और एक बात हो गई है सर कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैंने देखा, मैं केरला गया भी था और मैंने लोगों से बात भी करी, तो कहीं ना कहीं ये बात है कि क्योंकि केरला में लोग बाहर गए थे सर गल्फ में, तो एक जमाने में इंडिया में सर कलर टीवी बहुत बड़ी चीज होती थी, मैं आज से 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 40 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो यह जब भी कलर टीवी आई थी सर तो 80s में बहुत बड़ी बात होती थी, सबके यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट, मेरे घर में भी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थी सर, वो उसमें वो लकड़ी का दरवाजा होता था ऐसे खुलता था, तो
तो उस जमाने में कोई अगर कलर टीवी लेकर बाहर से कोई आ जाता था, इंडिया में तो बनती नहीं थी उस समय, तो फिर बहुत बड़ी चीज होती थी। तो ये जब बाहर से आते थे लोग सर, तो फ्रिज लेके, कलर टीवी लेके और चीजें लेके, तो कहीं ना कहीं मन में एक ख्याल ऐसे आया कि you know, जो सऊदी अरेबिया या जो अरबों का जो इस्लाम है सर, जो अरबों का इस्लाम है, दैट इज द मॉडल टू फॉलो, वो प्योर इस्लाम है। एंड इफ यू फॉलो प्योर इस्लाम, देन अल्लाह रिवॉर्ड्स यू इन द मटेरियल वर्ल्ड। आपको जो सुख सुविधाएं मिलेंगी, जो सहूलियत मिलेंगी, बिकॉज क्योंकि सर कोई आज तक, देखिए साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन तो है, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ये है कि सऊदी अरेबिया के नीचे तेल है, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ये है कि जो गल्फ है, गल्फ इज फ्लोटिंग इन ऑयल, इट हैज द लार्जेस्ट, परहैप्स वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ ऑयल इन द वर्ल्ड। ये तो साइंटिफिक बात है, लेकिन उनके दिमाग में यह है कि ठीक है कि अल्लाह की नियमत है, अल्लाह ने आशीर्वाद दिया है, इसलिए वहां पे तेल हुआ है। सो इफ यू आर अ गुड मुस्लिम, यू विल गेट मनी, यू विल गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स। ये मेरा कोई थ्योरी नहीं है, मेरा कंजेक्चर नहीं, मैंने कई लोगों को बोलते हुए सुना है अपने कानों से। हो सकता है वो ज्यादा पढ़े लिखे ना हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं कि हाईली एजुकेटेड ना हो, बट ठीक है, वो लोग गल्फ से आए थे एंड दे वर वेरी इंप्रेस्ड विद कि गल्फ में, सऊदी अरेबिया में जिस तरीके का एक प्योरिटन किस्म का, खासतौर से सऊदी में इस्लाम पढ़ाया जाता है, फॉलो करा जाता है, तो वो लोग वहां पे रहे हैं 15-20 साल। और जब वो वापस आए केरला तो खूब सारे पैसे लेकर आए, क्योंकि जाहिर सी बात है पैसे बहुत मिलते थे, वो कलर टीवी, फ्रिज व्रिज, गाड़ी वाड़ी, पता नहीं गाजा वाजा सब लेकर आए वहां से। एंड देन सडनली एक चीज बन गई कि नाउ ट्राई टू लिव लाइक द अरब्स। वो सर वो म्युनिसिपैलिटी का चुनाव लड़ रहा है सर, वो अरब का, वो सर पे जो अरब वो चादर सी पहनते हैं, यहाँ पे रस्सी बांध के, उसने अपनी फोटो डाल रखी है वहां पे, वो पोस्टर पे उसकी फोटो है सर, और वो डिजिटल ऊंट के ऊपर बैठा हुआ है। अब आप बताइए सर, ऐसा केरला में कहां से कौन ऊंट के ऊपर बैठता है, वो अरब बन के ऊंट पे बैठा हुआ केरला में चुनाव लड़ रहा है। तो अब ये भी चीज है सर, ये माइंडसेट का चेंज है। देखिए ये भी अपनी जगह पे एक आइडेंटिटी क्राइसिस है, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि आज के जो गल्फ स्टेट्स के रूलर्स हैं वो रेडिकलाइजेशन से पीछे हट गए हैं। बिल्कुल जब, सर बिल्कुल, जब वो रेडिकलाइजेशन को इनडायरेक्ट या डायरेक्ट सपोर्ट भी किया करते थे, तब भी वो चाहे केरला के मुसलमान हों, चाहे पूरे भारत के मुसलमान हों, चाहे वो पाकिस्तान के मुसलमान हों, बांग्लादेश के मुसलमान हों, वो उनको कोई शह नहीं समझते थे, वो उनको अपना कमी नहीं समझते थे। ये तो तब भी सूरत हाल थी, वो ठीक है लेबर फोर्स के तौर पर थे, उनके यहाँ से रियाल कमा लेते थे, तो वो ज़ाहिर करेंसी भारत पाकिस्तान की करेंसी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और पैसे ज़्यादा मिल जाते थे, तो उनको ये एहसास नहीं होता। अगरचे ये अपनी जगह पे हमारा एक अलग शो किसी वक्त बनता है, मगर इस पे थोड़ी सी बात मैं ज़रूर करूँगा, उनको केरला के मुसलमानों को ये एहसास नहीं होता कि वो कौन सा इस्लाम लेके आ रहे हैं। आफ्टर ऑल तो वो केरला के ही मुसलमान रहेंगे, भारत के ही मुसलमान रहेंगे, और अरब कंट्रीज तो उनके पीछे अब नहीं है, तो ये एहसास नहीं हो रहा है वहाँ पे। सर ये एक बहुत बड़ा आपने बोला आइडेंटिटी क्राइसिस है सर, कि इट्स लाइक सेइंग कि जब मैं बड़ा हूंगा तो मैं अरब बनूंगा सर, इट इज एस्पिरेशनल। कहते हैं ना मैं बड़ा हूंगा तो मैं फिल्म स्टार बनूंगा, क्रिकेटर बनूंगा, आईएएस अफसर बनूंगा, या मैं कुछ नहीं, ये कहते हैं मैं बड़ा हूंगा मैं अरब बनूंगा सर, जैसे बकरा कहता है कि मैं बड़ा हूंगा तब मैं ऊंट बनूंगा, इट्स समथिंग लाइक दैट। वो एक माइंडसेट है कि अरब, ये पाकिस्तान में भी है सर ये माइंडसेट कि ना अरब्स आर प्योर मुस्लिम्स, ये एक माइंडसेट है सर। मैंने कई पाकिस्तानी दोस्तों से भी बात करी है, सो देयर आर मेनी पाकिस्तानी। अब जैसे हम बात करते हैं कुरैशी की सर, तो वो तो ट्राइब ऑफ कुरैश थी हजरत मोहम्मद साहब की ना, तो आपको यहाँ पे जितने आपको एशिया में, अपने साउथ एशिया में कुरैशी मिलेंगे, उतने तो आपको सऊदी अरेबिया नहीं मिलेंगे। ये एस्पिरेशनल वैल्यूज हैं सर, ये एस्पिरेशनल है कि हमें ये बनना है, हम ऐसे हैं। तो आप किसी से भी पूछ लीजिए यहाँ पे कि मेरे जो बाप दादा थे वो सेंट्रल एशिया में आए थे, वो तैमूर के साथ आए थे, वो चंगेज के साथ आए थे, वो मोहम्मद बिन कासिम के साथ आए थे, वो बाबर के साथ घोड़े पे बैठकर आए थे, सबके बाप दादा कहीं ना कहीं से आए थे। ये पाकिस्तान में भी प्रॉब्लम है, नाम पूछिए उनका, रंधावा है, गिल है, मान है, वर्क है, चौहान है, राठौर है सर, चीमा है, चिट्ठा है, राणा है, गुज्जर है, जट है, ये नाम है, लेकिन आए थे वो सऊदी अरेबिया से। तो मैं इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं समझा सकता ना। तो खैर ये तो इनका आइडेंटिटी क्राइसिस, खुद इनको ही अपने क्राइसिस में एक तरह से लपेटे हुए है। इस पे अब हम क्या बात करें। आखिर में गौरव भाई,
जो सिचुएशन है ख़ासतौर पर श्रीलंका पे, अब मैं उस पर ज़रूर बात करूँगा। ठीक है, वहाँ पे क्राइसिस हैं, वो जो तमिल क्राइसिस हुआ उसके अभी तक वहाँ पे आफ्टर मैथ्स महसूस किए जाते हैं। इस्लामिक रेडिकलाइजेशन का प्रॉब्लम भी है, उसके नतीजा में स्टेट का क्रैकडाउन भी चलता रहता है, लेकिन श्रीलंका इन सब चीज़ों को अपने आयरन फिस्ट से कंट्रोल भी किए हुए है और डेमोक्रेसी भी चला रहा है। आप कैसे ये सारा कुछ देखते हैं? देखिए, श्रीलंका का ये है कि वहाँ पे आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है और आर्मी की बहुत ज़्यादा से है और फौजियों का होता है, मैं खुद फौजी हूँ, फौजियों का एक 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 नेचर होता है, दे कांट बी सॉफ्ट फॉर वेरी लॉन्ग बिकॉज उनकी उनकी ट्रेनिंग ही ऐसी होती है कि वो थोड़े दिन सॉफ्ट रहेगा, फिर वो फौजी का फौजी बना बाहर निकल ही जाता है, फिर वो उसके लिए ही इज़ मोर कम्फर्टेबल यूजिंग फोर्स, ज़्यादातर अपने आप को कंट्रोल करके रखते हैं। और श्रीलंकन सोसाइटी है भी ऐसी, इट्स अ लार्जली बुद्धिस्ट सोसाइटी एंड ये जो आप देखेंगे एक एक श्रीलंका का भी एक कल्चर है, ये ताहिर साहब मैंने रीड करा इसके बारे में काफी, इट्स आल्सो वेरी कल्चरल, वो कहते हैं ना द लायंस ऑफ सिन्हाला कि हम शेर हैं, राइट? आप यू नो यू कैन नॉट, एक एक है कि सिन्हाला विल नेवर गिव अप, अ श्रीलंकन विल नेवर गिव अप, ये उनके उनका अपना एक है, कल्चरल है। तो वहां पे आपने बिल्कुल ठीक बात बोली है कि डेमोक्रेसी भी है, ये भी बात ठीक है, परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, कोई बात नहीं, परफेक्ट तो अमेरिका में भी नहीं है, इंडिया में भी नहीं है, इंग्लैंड में भी नहीं, कहीं भी परफेक्ट नहीं है, हम सब लोग सीख रहे हैं, वी आर ऑल ग्रोइंग टुगेदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, उनकी फौज बीच बीच में आके टाइट करती रहती है लोगों को, फौज का कंट्रोल है और फौज का एक डिस्प्रोपोर्शनेट से है जितनी एक नॉर्मल डेमोक्रेसी में नहीं होना चाहिए, शायद इंडिया में तो नहीं है फौज का से, फौज का से सिर्फ फौज में है, फौज के बाहर पॉलिटिक्स में से नहीं। वहां पे श्रीलंका में फौज का जो से है वो सर पॉलिटिक्स में भी है, वो इकोनॉमी में भी है, काफी हद तक फौज के काफी वहां पे प्यादे बैठे हुए हैं हर जगह। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए जब फौज कुछ कहती है तो उसको सुना जाता है, उसको सीरियसली लिया जाता है और फिर उसको इम्प्लीमेंट भी करा जाता है।